चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड करो। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज रिप्रेजेंटेड बाई बाइसिकल टू रूट थ्री एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जनरली ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, वो होता है बाइसिकल टू एक्स टेन थीटा माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर या ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा इक्वेशन है। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं ट्रेजेक्ट्री के इस इक्वेशन को, तो रूट थ्री एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू, तो कंपेयर करूंगा अगर, ठीक है, तो टेन थीटा की जगह क्या है, रूट थ्री। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर रूट थ्री है तो टेन के टेबल में रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। यही है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, ये इक्वेशन आया कैसे, जैसे मैं ऐसे बात करूं कि ये ग्राउंड है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूं, ये ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऐसे गया। तो किसी पॉइंट पी पे, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, किसी पॉइंट पी पे कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट एम है, ये ए एम डिस्टेंस एक्स कंसिडर करो और ये डिस्टेंस वाई कंसिडर करो, एम पी वाई। तो अगर मैं मोशन का ये इक्वेशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर ये अप्लाई करूं, तो ए से पी तक डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, और साइन कन्वेंशन भी यहाँ यूज कर लें, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड निगेटिव, ठीक है, इंटेंशन और मोशन के अकॉर्डिंग मैंने साइन कन्वेंशन लगा दिया। तो एस वाई की वैल्यू कितनी होगी, प्लस वाई होगी। यू वाई की वैल्यू क्या होगी, यू वाई का क्या होगा, यू साइन थीटा होगा ना, प्लस में यू साइन थीटा, ठीक है, करेक्ट, इंटू टी, और प्लस वन बाई टू। ए वाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस जी, क्योंकि जी नीचे लग रहा है तो माइनस जी होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नीचे निगेटिव है, ठीक है, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या एक्स डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, आंसर नहीं, तो क्या होगा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, एक्स ट्रेवल किया पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये यू कॉस थीटा होगा इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई यू कॉस थीटा होगा। तो टी की वैल्यू यहां पर और यहां पर पुट कर दें, अगर इन दोनों जगह पे रख दें, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा, और ये माइनस बार आ जाएगा, वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, u से u कटा, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है, x tan थीटा माइनस 1 बाई टू जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये y की वैल्यू हो गई। यही मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखो जरा ऊपर, ये वाला और ये वाला इक्वेशन एक ही चीज़ तो है, x tan थीटा माइनस 1 बाई टू जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वाई इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4, द हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। जैसे एक प्रोजेक्टाइल है, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, करेक्ट है, तो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस कर दो, ये वाई एक्सिस कर दो, ठीक है, और इसी को ओरिजिन मान लेते हैं जहाँ से थ्रो किया गया, ठीक है। तो अब ये सोचो कि y की वैल्यू जीरो कब है, y की वैल्यू जीरो कब होगी इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें y की वैल्यू जीरो यहाँ पर होगी O पे, और ये थ्रो करके मान लो ये P पे आया, O से P आया है ऑब्जेक्ट मूव करते हुए, तो दो जगह पे y की वैल्यू जीरो है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अगर y इज इक्वल टू जीरो रखा जाए तो x की दो वैल्यू होंगी, एक यहाँ पर होगी एक यहाँ पर होगी, एक ओरिजिन पे ही होगी और एक पी पे होगी। तो एक्स वाई की वैल्यू जीरो इस इक्वेशन में पुट करें तो जीरो इज इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा,
एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 5x बाई 4 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 हो सकती है, या 16 माइनस 5x बाई 4 इक्वल टू 0 होगा। इसको सॉल्व कर लें, यानी 5x बाई 4 इज इक्वल टू 16 कर दो, x इज इक्वल टू 16 इंटू 4 बाई 5 कर दो, ये 64 हो गया। 64 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 601, और ये आ गया 2.12, ये हो गया 2, फिर कितना आएगा 12.8, x इज इक्वल टू 12.8 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, 12.8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड इट्स वेलोसिटी विल बी, कितनी हो जाएगी। तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, एज्यूम करो यू वेलोसिटी से थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए, तो ऑब्जेक्ट कैसे जाता है और जाके ग्राउंड पे हिट करता है दोबारा। तो ओ पॉइंट है ओरिजिन जहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है, मान लो पी पॉइंट यहां है, एक सेकंड बाद यहां से यहां तक का टाइम एज्यूम करो एक सेकंड है, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा, और यहां की वेलोसिटी क्या होगी, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में यू की वैल्यू दिया हुआ है, यू इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल से, ये है ना, ठीक है, थीटा दिया हुआ है। तो अब यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यू एक्स इज इक्वल टू हो गई 30 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 30 इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, यानी यू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू एक्स की वैल्यू 15 रूट थ्री आएगी, और यू वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 30 इंटू 1/2, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 से 15 ही आ जाएगा मीटर पर सेकंड यू वाई की वैल्यू, करेक्ट है। तो यहां पर वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में क्या कोई चेंज आएगा, आंसर नहीं, जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वही फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पी पॉइंट की भी रहेगी। ये ओ पॉइंट इनिशियल और पी पॉइंट फाइनल हम कंसिडर कर रहे हैं, दो पॉइंट के बीच में लिया जाता है, इक्वेशन अप्लाई किया जाता है, तो ये 15 रूट थ्री ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई ये बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ है, तो वो साइन निगेटिव होगा जी की वैल्यू, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम ऊपर पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, ऑब्जेक्ट का जब थ्रो किया जा रहा है तो इंटेंशन ऑफ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड है, तो ये राइट साइड पॉजिटिव होगा, राइट साइड पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और ऊपर का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होगा, ये साइन कन्वेंशन हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यू वाई ठीक है हो गया और यू एक्स हो गया, तो हम वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, पहला इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें तो वी वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ऊपर की तरफ है प्लस, ठीक है, यू वाई की वैल्यू भी प्लस 15, ए वाई जी की वैल्यू निगेटिव नीचे की तरफ है, और जी की वैल्यू है कितनी 10, तो माइनस 10 इंटू एक सेकेंड बाद ओ से पी तक पहुंचा है, तो टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड होगी, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, वी वाई की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर अगर वी वाई, अगर पी पॉइंट पे वी वाई ये है, वी वाई ये है, और वी एक्स इक्वल है आपका 15 रूट 3 के, और वी वाई है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट होगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये भी यू वी वाई होगा, ये वी एक्स है, ये वी वाई है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 225 इंटू थ्री प्लस 25, ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 675 प्लस 25 700 आ जाएगा ना, 700 आया, करेक्ट है, देख लो एक बार चेक करो 700, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर 700 का मतलब 10, v स्क्वायर की वैल्यू है 10 रूट 7 आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, 10 रूट 7 पहला ही ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ विद वेलोसिटी यू इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल एट एनी इंस्टेंट, इट्स पोजीशन इज एट पॉइंट पी एट राइट एंगल टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट पी। देखो यहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट फाइनली यहां पहुंचा, उसकी वेलोसिटी वी है, यहां यू है और यहां वी है, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है अल्फा। तो ये एंगल जो है इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज तो होगा नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा तो कहा नहीं कि हवा चल रही है या कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux की वैल्यू क्या होगी, u cos अल्फा, इसको ठीक से लिखते हैं, ux की वैल्यू क्या हो जाएगी, ux इज इक्वल टू u cos अल्फा होगी। अच्छा ये 90 डिग्री अगर मैं इसको ऐसे बना लूं, ये u हो गया, ये हो गया आपका अल्फा, और ये फाइनल वेलोसिटी है, मान लो ये v है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 माइनस अल्फा होना चाहिए, तभी तो होगा। अच्छा ये डायरेक्शन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा होगा, अगर ये वी है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इधर वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा से कनेक्टेड, तो ये होगा वी कॉस 90 माइनस अल्फा, और cos 90 माइनस अल्फा कितना होता है, sin अल्फा, sin v sin अल्फा होता है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में पहले वेलोसिटी कितनी थी, u है, तो u cos अल्फा, तो u cos अल्फा और v sin अल्फा दोनों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैं, दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर भी ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos अल्फा है, और यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v sin अल्फा आ रही है, तो ये दोनों चेंज नहीं होने चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो v की वैल्यू पूछ रहा है ना कि वेलोसिटी एट पॉइंट p v की वैल्यू कितनी होगी, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u cos अल्फा बाई साइन अल्फा, इट मींस u cot अल्फा, u cot अल्फा कहां पर है, u cot अल्फा b वाला पार्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल P is projected with velocity u1 at an angle 30 degree with the horizontal. Another particle Q is thrown vertically upward with velocity u2 from a point vertically below the highest point of the path of P. The necessary condition for the two particles to collide at the highest point is. सबसे पहले P point से एक particle u1 velocity से throw किया जा रहा है horizontal के साथ 30 degree angle बनाते हुए, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, u1 cos 30 डिग्री, ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, u1 sin 30 डिग्री, और ये हाईएस्ट पॉइंट है इस पाथ p का, पार्टिकल जो p से थ्रो किया जा रहा है उसका हाईएस्ट पॉइंट यहां पर है, ठीक है। और q पॉइंट से एक दूसरा पार्टिकल u2 वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, तो ये कब कोलाइड करेंगे इसकी कंडीशन बतानी है। तो कंडीशन सिंपल सी है कि जो इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस पार्टिकल के वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। तो इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है वर्टिकल, तो वो इस u1 sin 30 के बराबर होना चाहिए तभी ये कोलाइड करेगा, यानी u1 sin 30 डिग्री इक्वल होना चाहिए u2 के, तभी ये कोलाइड कर सकता है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 by 2 u2, तो u1 is equal to 2 u2 हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है, b वाला ऑप्शन, u1 is equal to 2 u2, u1 is equal to 2 u2, हाँ ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 seconds after projection a projectile is traveling in the direction inclined at 30 degree to the horizontal, 1 more second it is traveling horizontally, the magnitude and direction of its velocity are. देखो सबसे पहले होता क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको थ्रो किया गया, ऐसे गया, ठीक है। जब ये थ्रो किया गया था उस वक्त से 2 सेकंड के बाद ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे पहुंचा,
ठीक है, तो जिस वक्त ये प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया था वेलोसिटी हम यू कंसिडर कर ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, और एंगल हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये भी नहीं दिया है, लेकिन 2 सेकंड के बाद आफ्टर टू सेकंड जब ये बी पे पहुंचा उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं वी, ये भी नहीं दिया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, 2 सेकंड के बाद। अब 1 सेकंड के और बाद ये हॉरिजॉन्टल हो गया, बोला है ना ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, 1 more second इट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर कितनी होंगी, जब ये थ्रो किया गया था उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी और उसका डायरेक्शन कितना था हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से ये पॉइंट सी कंसिडर कर लेते हैं, बी से सी तक का टाइम जो है, पहले ये लिख लेते हैं, ए से बी तक का टाइम है 2 सेकंड और बी से सी तक का टाइम लगा 1 सेकंड, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर वेलोसिटी यू है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होना है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, यू कॉस थीटा यहाँ होगा, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा होगा। अच्छा, यहाँ 30 डिग्री है तो यहां पर वी कॉस 30 डिग्री यहाँ होगा, यहाँ वी साइन 30 डिग्री होगा, करेक्ट है। तो सबसे पहले ए टू बी की बात करते हैं, ए टू बी की बात कर लेते हैं, ए टू की बात करें और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, तो यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी कॉस 30 डिग्री के इक्वल होना चाहिए लॉजिकली, ठीक है। अच्छा, अब ए से सी की बात करते हैं, ए से सी की बात इधर कर लेते हैं, ए टू सी की बात करते हैं, और इसमें कहते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट सी पे खत्म हो गया, फाइनल वेलोसिटी खत्म हो गई वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी का इस्तेमाल करूं, ठीक है ना, ए वाई का इस्तेमाल करूं, तो वाई वी वाई क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी सी पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यू कॉस यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव राइट साइड पॉजिटिव। अब जी कहां लग रहा है, ए वाई मतलब एक्सेलेरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, जी का डायरेक्शन नीचे है ना, जी का डायरेक्शन नीचे है, तो माइनस जी होगा, यहां पर भी यहां पर भी, तो ये माइनस जी इंटू ए से सी तक का टाइम कितना लगा, ए से सी तक का टाइम टोटल 3 सेकंड लगा ना, ए टू सी का 3 सेकंड होगा, तो ये 3 सेकंड लगा, तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू 3g हो गया, यू साइन थीटा इज इक्वल टू 3g, करेक्ट है। अब ए से बी की बात करते हैं, ये सेम फॉर्मूला हम ए से बी के लिए अप्लाई करते हैं, इधर लेफ्ट साइड में यू वाई प्लस ए वाई टी, वी वाई की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वी साइन 30 डिग्री, वी साइन 30 डिग्री, यू वाई कितना होगा, यू साइन थीटा, ए वाई कितना है माइनस जी, टी की वैल्यू 2 सेकंड, ए से बी तक का 2 सेकंड लगा, ठीक है। यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3g माइनस 2g इज इक्वल टू जी, किसकी वैल्यू है, यू साइन 30 डिग्री की वैल्यू जी है, जी मीन्स 10, जी मीन्स 10, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड आ गया, v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड आ गई, करेक्ट है। अब ये वैल्यू यू और v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड आप यहां रख दो, कितना आ जाएगा देखो जरा, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं, u cos थीटा इज इक्वल टू v cos 30 डिग्री, तो u cos थीटा इज इक्वल टू v की वैल्यू अभी आई है 20 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, ये 10 गया, ठीक है। अब ये हो गया, इट मींस u cos, इधर लिख देते हैं, इधर ना लिखे, u cos थीटा इज इक्वल टू 10√3, और u sin थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 3g का मतलब 10 कर दो, तो u sin थीटा इज इक्वल टू 30 हो जाएगा ना, तो ये 30 हो गया, तो u sin थीटा अपॉन u cos थीटा को डिवाइड कर दो, ये cos है, डिवाइड कर दो, तो 30 अपॉन 10√3, 0 कटा, 3/√3, u से u कटा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3 का मतलब क्या हुआ, 3/√3 मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 आ जाएगा, tan 60 आ गया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, यानी ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, तो 60 डिग्री एंगल से थ्रो किया जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री के,
और फाइनली वी वेलोसिटी जो है वी की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। वी कहाँ की वेलोसिटी है, यहाँ की वेलोसिटी, किस पॉइंट की वेलोसिटी पूछ रहा है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो यू की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कैसे निकल जाएगी, यू कहाँ से निकाल लिया जाए, हाँ थीटा की वैल्यू 60 यहाँ रख दो, यू इंटू साइन 60 इज इक्वल टू 30, यूज टू रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू 30, यूज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 बाई रूट थ्री कितना होगा, 60 बाई रूट थ्री कितना आना चाहिए, 60 बाई रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 20 रूट थ्री आएगा, 20 रूट थ्री कहीं आ रहा है, 20 रूट थ्री ये आ रहा है और आएंगे 60 डिग्री ये आएगा, ऑप्शन बी वाला ऑप्शन ज़्यादा ऊपर रिपीट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन जिसकी लेंथ 20 रूट 2 मीटर है विथ वेलोसिटी यू फ्रॉम द पॉइंट एम एज शोन इन द फिगर, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ये 45 डिग्री होगा, 450 नहीं होगा, एंड द टॉप इज कनेक्टेड टू अ वेल ऑफ 40 मीटर, इफ द बॉडी जस्ट मैनेज टू क्रॉस द वेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे बॉल को यहाँ से निकल रही है 45 डिग्री के एंगल पे निकलेगी क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल है, बॉडी के अपोजिट एंगल, ठीक है, और ये जस्ट मैनेज कर रही है यहाँ से पास कर ले रही है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर वेलोसिटी है u, क्वेश्चन में बोल रहा है, और यहाँ वेलोसिटी हम कंसिडर कर लेते हैं v है जो क्वेश्चन में दिया भी हुआ है v, ठीक है, तो यहाँ की वेलोसिटी v निकालनी है आपको कितनी होगी कि जस्ट वो पास कर जाए, ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर ये जस्ट मैनेज कर रही है तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, करेक्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पर रेंज हो गया 40 मीटर क्योंकि इस रेंज को क्रॉस कर ले रहा है, ठीक है, यू की वैल्यू यानी यहाँ पर वेलोसिटी वी है तो वी स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 45 होगी, साइन 45 2 इंटू 45 90 डिग्री आता है, डिवाइडेड बाई जी, जी की वैल्यू 10 कंसिडर कर लेते हैं, साइन 90 ये होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 और वी इज इक्वल टू 20 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड वी की वैल्यू, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर यू की वैल्यू भी पूछे तो कैसे करेंगे, मान लो यू की वैल्यू भी पूछ ले रहा है क्योंकि दिया तो है नहीं, तो इसके लिए सबसे पहला ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर वेलोसिटी यू है और टॉप पे पहुँचा यहाँ पर इस जगह पे पहुँचा तो वेलोसिटी हो गई वी, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, एस इज इक्वल टू 20 रूट 2, ठीक है, और क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल है यहाँ पर 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, ठीक है 45 होगा, तो जी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा, जी साइन थीटा जो थीटा 45 है तो जी साइन 45 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन 45 हो जाएगी लेकिन नेगेटिव में होगी क्योंकि मोशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और जी साइन थीटा की वैल्यू नीचे की तरफ है, तो ये क्या होगा नेगेटिव, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख दूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी वी की वैल्यू कितनी 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी यू स्क्वायर माइनस क्योंकि नीचे की तरफ है माइनस 2g साइन 45 इंटू डिस्टेंस कितना है 20 रूट 2, राइट साइड में ऊपर की तरफ है प्लस में होगा 20 रूट 2, अब इसी को सॉल्व करके यू की वैल्यू निकाल लोगे, यू की वैल्यू कितनी आएगी चेक कर लो, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और ये प्लस में हो जाएगा 20 हो जाएगा जी की वैल्यू, क्या रख दिया 20 1/√2 इंटू 20√2, रूट टू से रूट टू क्या 400 800 यू स्क्वायर टू 800 का मतलब रूट में 800 का मतलब √8, इसका मतलब ये हो गया 20√2 हो जाएगा, 20√2 कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी, लेकिन उस केस में है जब
यहाँ की वेलोसिटी, नीचे की वेलोसिटी पूछ रहा है, जब यहाँ की वेलोसिटी होगी तो 20√2, टॉप की वेलोसिटी की बात करेंगे तो वी की वैल्यू कह रहा है तो 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों में डिफरेंस है, ये पॉइंट याद रखना, ये चीज भूलना नहीं है। तो इस क्वेश्चन में तो v पूछ रहा है यानी टॉप की वेलोसिटी, तो टॉप की वेलोसिटी v है और वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, नीचे की वेलोसिटी पूछेगा तो 20√2 आंसर देना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट राइजेस टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ देन द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम में चेंज कितना होगा। तो देखो प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बदलती नहीं है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलती नहीं है तो मोमेंटम में चेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा नहीं, तो जो भी चेंज होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये यू है, ये थीटा है, ठीक है, तो ये यू साइन थीटा होगा, यहाँ वेलोसिटी अगर वी है तो वर्टिकल कंपोनेंट कुछ होगा नहीं, करेक्ट है। तो यहां का इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, इनिशियल मोमेंटम हुआ एम यू साइन थीटा जे कैप, अगर वाई डायरेक्शन ऊपर है और पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में जे कैप होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, और फाइनल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन का कितना होगा, जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम कितना लिखते हैं हम, चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, कितना होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम जीरो माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप इज इक्वल टू माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। चेंज इन मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखें तो चेंज मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम यू साइन थीटा लिखेंगे, एम की वैल्यू 100 ग्राम है तो 0.1 केजी हो गया इनटू यू, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एसआई में है, ठीक है, एंगल कितना 30 डिग्री, साइन 30 कर दो, 1/2 0.1 इनटू 10 इनटू 0.1 कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम में चेंज है ही नहीं, जीरो है, जो भी है वो y डायरेक्शन में मोमेंटम की चेंज की हो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ओ विथ अ वेलोसिटी u इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा अपवर्ड विद द हॉरिजॉन्टल, आफ्टर सम टाइम एट पॉइंट p इट इज मूविंग एट राइट एंगल विद द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन द टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ओ टू p। सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से प्रोजेक्शन किया गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, ऐसे जाके यहाँ पर पी पे लैंड किया, ओ पॉइंट से थ्रो किया गया, यू वेलोसिटी है कंसिडर किया, ओ पॉइंट पे वेलोसिटी यू है, ठीक है, और अल्फा एंगल से थ्रो किया गया, और कुछ टाइम के बाद ये पी यहाँ तक, पी यहाँ नहीं है सॉरी, पी जो है इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, पी जो है यहाँ कहीं है, ठीक है, और वो बना रहा है इनिशियल वेलोसिटी से कितना एंगल बना रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, तो ये वेलोसिटी का ये इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, अगर ध्यान से देखो ये है u, ये है v, करेक्ट है, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस अल्फा होता है, ठीक है, और ये v है, ये v की डायरेक्शन थी, तो ये 90 माइनस अल्फा ये भी होगा, 90 माइनस अल्फा ये भी होगा, ठीक है, 90 माइनस अल्फा, और ये v है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, v cos 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा कितना होता है sin अल्फा, अच्छा यहाँ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, u cos अल्फा, अच्छा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो u cos alpha is equal to v sin alpha होगा, तो v की वैल्यू कितनी होगी, u cot alpha होगी, v की वैल्यू हो गई, अच्छा अगर ये v है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो गया, v sin 90 minus alpha, इट मीन्स ये आएगा v cos alpha, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया v cos alpha, और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है
ये वैल्यू इतनी, तो फॉर इस P पॉइंट पे वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हो गई V की वैल्यू, यू कॉट अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हो गई। और यहां पर वेलोसिटी कितनी है, यू साइन अल्फा। यहां से O से P तक का टाइम कितना है, T, अगर एज्यूम कर लिया जाए T टाइम लगा। तो अगर मैं ये इक्वेशन अप्लाई कर दूं यहां पर, कौन सा V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, मैं इस फिगर को हटा दे रहा हूँ, इस वाले फिगर को हटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक से इरेज कर दूँ, चलो इसको इरेज कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ ये फॉर्मूला। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, नीचे की तरफ है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग निगेटिव होगा, माइनस कितना होगा, यू कॉट अल्फा इंटू कॉस कॉस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन अल्फा, प्लस में यू साइन अल्फा, और जी की वैल्यू नीचे की तरफ है तो माइनस जे इंटू टी, तो जी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजो, यू साइन अल्फा प्लस यू कॉट अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, टी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो आप क्या करो, पहले इधर सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा कितना, कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, एलसीएम ले लें, यू कॉमन ले लें और एलसीएम भी साथ में ले लें, साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जी टी, ठीक है, ये इक्वल टू ये साइन अल्फा है, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा वन हो गया, तो टी इज इक्वल टू यू बाई जी टी साइन अल्फा, या इसको आप ऐसे लिखते हो, t इज इक्वल टू वन बाई साइन है तो कोसेक हो जाएगा, u कोसेक अल्फा अपॉन जी टी, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, u कोसेक अल्फा बाई जी टी, अच्छा सॉरी जी टी क्यों आ गया यहाँ, t की तो वैल्यू निकाल लें, ये छोटी चीज गलती मैंने यहाँ कर दी है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, हम दोनों को क्यों ले आएंगे, वरना वन लेफ्ट साइड में वन नहीं हो जाएगा, तो इसको भी हटा दे रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है, तो ये आ गया ऑप्शन, ठीक है, यू कोसेक अल्फा बाई जी, यू कोसेक अल्फा बाई जी, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड फ्रॉम द इंस्टेंट द ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल रीच द ग्राउंड, ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं इसकी, ये एक टावर है, ठीक है, यहाँ से बॉल थ्रो की गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे गिरेगी, ठीक है, इंटेंशनल मोशन ऊपर की तरफ है और राइट साइड में है, तो ऊपर का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे का डायरेक्शन निगेटिव, ठीक है, और हाइट ऑफ द टावर h निगेटिव होगा जो कि 70 मीटर है, तो माइनस 70 होगा, अच्छा g नीचे है तो g भी निगेटिव होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, अच्छा यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा कितना कह रहे, कितना टाइम लगेगा ना, तो टाइम s y इज इक्वल टू यू वाई, सॉरी हाँ इसको ठीक कर दें, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो एस वाई क्या है, माइनस सेवेंटी कर दिया, यू वाई कितना होगा, यू वाई वर्टिकल डायरेक्शन में ये यू है, यू वाई की वैल्यू कितनी होगी, यू साइन 30 डिग्री, यू की वैल्यू 50 साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 25 आ गया यू वाई की वैल्यू, और वो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव प्लस 25 टी आपको निकालना है टाइम, और ए वाई मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है माइनस जी, जी की वैल्यू 10 रख देते हैं तो माइनस 10 कर दे रहे हैं इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया, इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, 25t माइनस 5t स्क्वायर या 5t स्क्वायर माइनस 25t माइनस 70 इक्वल टू 0, 5 से डिवाइड करते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14 इक्वल टू 0, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व करते हैं, 70 प्लस 2t माइनस 14 इक्वल टू, जी की वैल्यू ध्यान रखना हमने 10 रखी है, 9.8 रखोगे तो हो सकता है एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आ जाए रिजल्ट की, टी कॉमन टी माइनस 7 और 2 सॉरी
यहाँ क्या कॉमन ले लें, प्लस टू टी माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, तो टी माइनस सेवन यहाँ से कॉमन ले लिया, टी प्लस टू तो टाइम तो निगेटिव हो नहीं सकता, तो ये वाला तो नहीं होगा, टी माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू सेवन सेकेंड, तो जी की वैल्यू हमने टेन रखी है, ध्यान रखना है ये जी की वैल्यू हमने टेन रखी, नाइन पॉइंट एट रखते तो हो सकता है ज़्यादा एक्यूरेट आता, तो सेवन सेकेंड के सबसे क्लोज कौन सा ऑप्शन है, 6.3 सी वाला ऑप्शन ज़्यादा एक्यूरेट है, जो क्लोजेस्ट आंसर होता है वो आप लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी यू एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, अनदर पार्टिकल इज थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द वर्टिकल, पिछली बार हॉरिजॉन्टल से इस बार वर्टिकल से, देखो दो सिचुएशन है, पहले यू वेलोसिटी अल्फा एंगल से थ्रो किया जा रहा है, दूसरे सिचुएशन में सेम वेलोसिटी है यू लेकिन इस बार अल्फा एंगल वर्टिकल से लिया जा रहा है, तो फ्लाइट का फ्लाइट टाइम का इक्वेशन क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू यू साइन थीटा अपॉन जी होता है, ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा है, यहाँ पर थीटा की जगह कितना होगा, 19 माइनस अल्फा होगा, ध्यान रखना है, यहाँ थीटा की जगह अल्फा होगा लेकिन यहाँ थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये वैल्यू अगर टाइम फ्लाइट टाइम की वैल्यू निकाला जाए तो 2u sin अल्फा अपॉन जी यहाँ पर कितना होगा, इसको थोड़ा सा t2 इज इक्वल टू 2u sin 90 माइनस अल्फा बाई जी, ये कितना हो जाएगा 2u cos अल्फा बाई जी, तो t1 बाई t2 कर देते हैं, 2u sin अल्फा बाई जी अपॉन 2u cos अल्फा बाई जी, 2u से 2u कटा, ये भी जी है ये भी जी है, तो sin अल्फा बाई cos अल्फा tan अल्फा हो जाएगा, तो t1 बाई t2 की वैल्यू क्या आ गई, tan अल्फा बाई 1 tan अल्फा बाई 1, सी वाला ऑप्शन ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रिक्शन ऑफ द एयर कॉजेज वर्टिकल रिटार्डेशन इक्वल टू 1/10 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिक्रीज बाई, क्या कह रहा है, फ्रिक्शन ऑफ एयर, एयर का फ्रिक्शन जो है वो वर्टिकल रिटार्डेशन क्रिएट कर रहा है 1/10 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के कंपेयर में, जैसे दो सिचुएशन है, जैसे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, ये ऐसे जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है, ठीक है, तो पहला केस, केस वन कर लेते हैं इसको, ठीक है। दूसरे केस में जब ये थ्रो किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, केस नंबर टू में, तो क्या हो रहा है, एयर का फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर जी तो लग ही रहा है, साथ में 1/10 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एयर का लग रहा है वर्टिकली, ध्यान से देखना, वर्टिकली वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट वर्टिकली अगर देखा जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, ठीक है, वो नीचे की तरफ रिटार्डेशन लगेगा, तो एक और रिटार्डेशन कितना जी इंटू 1/10 भी नीचे लग रहा है, इस क्वेश्चन को यही समझना है, तो पहली सिचुएशन में सिर्फ जी लग रहा है, एयर का कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि इंटेंशन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है ना, तो ऑब्वियस बात है एयर के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे खींचने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो जी की नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो गया, नेट एक्सेलरेशन दूसरे केस में कितना हो गया, 11 जी बाई 10 हो जाएगा, और पहले केस में A1 की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी है, तो फ्लाइट टाइम को लेकर पहले तो इक्वेशन क्या है, फ्लाइट टाइम का क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी, तो एंगल अगर सेम रखा जाए, थीटा सेम रखा जाए, u अगर सेम दोनों सिचुएशन में सेम रखें, तो फ्लाइट टाइम और जी के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो इसका ये मतलब है t1 बाई t2 इज इक्वल टू g2 बाई g1 होना चाहिए, ये g2 है और ये वाला g1 है, तो g2 की वैल्यू कितनी है, 11 जी बाई 10 डिवाइडेड बाई g1 की वैल्यू है जी, तो यह आएगा 11/10, यानी पहली सिचुएशन में फ्लाइट टाइम ज़्यादा होगी, दूसरी सिचुएशन में फ्लाइट टाइम कम हो, क्योंकि ये ग्रेटर देन वन है, ऑब्वियस बात है ग्रेटर देन वन है ना, देखो ग्रेटर देन वन है, ठीक है। अब जो फ्रैक्शनल चेंज होगा, डिक्रीज होगा, वो कितना होगा परसेंटेज में बताना है, तो फ्रैक्शनल चेंज जो होगा परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, t1 माइनस t2 अपॉन t1,
क्योंकि ये इनिशियल है, टी वन ही इनिशियल है, इन टू हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देना। तो टी वन माइनस टी टू, टी वन की वैल्यू अगर मैं टी वन इज इक्वल टू ऐसे लिख दूं 11/10 इन टू टी टू ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, करेक्ट है, या इसको ऐसे टी टू इज इक्वल टू 10T1/11 ये लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं हम टी वन रहने थे, टी टू की जगह हम 10T1/11 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई टी वन इन टू 100 कर लेते हैं, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, हमको आंसर भी परसेंटेज में चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 है, तो ये हो जाएगा T1/11/T1 × 100। तो टी वन से टी वन कटा, 11 नीचे आएगा 1/11 × 100। 100/11 कितना होगा, 100/11 ऑलमोस्ट 9% के आसपास आएगा, 9 point something आएगा, 9% ऑप्शन ज़्यादा, तो फिर डी है, सी वाला ऑप्शन ज़्यादा प्रॉफिट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।